महर्षि घेरंड के अनुसार ये धनुरासन का अभ्यास मेरुदंड के लिए सबसे प्रभावशाली और लाभकारी आसन है। इसे कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। और आगे से सीने को उठाइए, मुंह बंद रखिए, सांस भरा हुआ अंदर। ये बच्चों को प्रैक्टिस के दौरान, अभ्यास के दौरान, अभी शुरू में बच्चे को समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए धीरे धीरे इसका अभ्यास हम करते हैं। एक बार और करिए, शुरू करिए। ठीक है, बहुत अच्छा, वो बच्चा अच्छा कर रहा है जो आज बच्चा है वो। देखिए, ये बहुत अच्छा अभ्यास कर रहा है। और खींचो ऊपर, बहुत अच्छा एकदम। इसमें आपका पैर भी सीधा हो जाए और हाथ भी आगे से सीधा है, अच्छा अभ्यास हो रहा है। करिए और टाइट करिए। लाभ के तौर पर इस अभ्यास मेरुदंड से संबंधित रोगों जैसे स्लिप डिस्क, स्पोंडिलाइटिस या सियाटिका के उपचार के लिए कराया जाता है।